आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने MI Redmi Xiaomi फ़ोन से किसी को कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे कॉल करने पर आपको बता रहा है या फिर आपको शो होता है कॉल एंडेड, तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें। अब यहाँ पे आप अपने MI फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद नीचे आइए। नीचे आने पर यहाँ पे ऐप्स आएगा या फिर मैनेज ऐप्स आएगा, तो इस पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे अगर ऐप्स आएगा तो ऐप्स पे क्लिक करने के बाद ऊपर मैनेज ऐप्स आएगा, तो मैनेज ऐप्स पे क्लिक करिए और इसे ओपन करिए। अब यहाँ पे इसे ओपन करने के बाद आपके फ़ोन के सारे ऐप आ रहे हैं। तो यहाँ पे अब आने के बाद नीचे आइए। नीचे आने पर आएगा डायलर, यानी कि आपके मोबाइल का फ़ोन ऐप, तो कुछ इस तरीके से फ़ोन के नाम से आएगा। तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करिए, उसके बाद ऐसा पेज आएगा। तो यहाँ पे आने के बाद अब नीचे फोर्स स्टॉप आएगा, तो इस पे क्लिक करिए, उसके बाद ओके करिए। ऊपर स्टोरेज आएगा या फिर स्टोरेज यूसेज आएगा, तो इस पे क्लिक करिए। नीचे आएगा क्लियर डेटा, इस पे क्लिक करिए, क्लियर ऑल डेटा पे क्लिक करिए और ओके करिए। तो ये करने से कोई आपका डेटा या फिर कोई कॉन्टैक्ट डिलीट नहीं होता है। तो यहाँ पे ये करने के बाद बैक आ जाइए। उसके बाद अब सेटिंग में ऊपर आएगा ये सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क या फिर सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा, तो इस पर क्लिक करिए। उसके बाद आएगा सिम वन सिम टू, तो जिस सिम से कॉल एंडेड हो रहा है उस सिम कार्ड स्लॉट को सेलेक्ट करिए। हम जैसे कि क्लिक करेंगे सिम वन पे, और क्लिक करने के बाद अब ऐसा पेज आएगा। तो अब यहाँ पे आने के बाद नीचे प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप आएगा, तो प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप आएगा तो इस पे क्लिक करिए। उसके बाद आएगा यहाँ पे 2G 3G 4G, तो यहाँ पे आप अपने फ़ोन में 4G सेलेक्ट करिए। बट अगर आपके फ़ोन में 4G नहीं आएगा तो यहाँ पे आएगा ये प्रेफर LTE, तो 4G या फिर प्रेफर LTE पे क्लिक करिए, इसे सेलेक्ट करिए। उसके बाद आएगा नीचे मोबाइल नेटवर्क, इस पे क्लिक करिए। ऊपर आएगा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नेटवर्क, तो ये आपका ऑन होता है, तो इसे बंद करिए। बंद करने पर नीचे नेक्स्ट आएगा, इस पे क्लिक करिए, अब ओके करिए। अब ये सर्चिंग लेगा, तो यहाँ पे वेट करिए। तो यहाँ पे जब ये नेटवर्क सेलेक्ट कर लेगा उसके बाद अब इसे ऑन करिए। इसे ऑन करने के बाद बैक आ जाइए और अब अपने फ़ोन में एक बार फ्लाइट मोड या फिर एरोप्लेन मोड ऑन करिए, उसके बाद इसे ऑफ़ करिए। ये सारी सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद अब अपने फ़ोन को बंद करके चालू करिए या फिर अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करिए। तो यहाँ पे अब चेक करिए, आपके MI Redmi फ़ोन से कॉल करने पर कॉल एंडेड नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को ठीक करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।